हेलो फ्रेंड्स, क्यूरियोसिटी हेल्दी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छौंका लगाने के बारे में या फिर तड़का लगाने के बारे में। हम ये जानेंगे कि दाल में तड़का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, अगर लगाते हैं तो उसका नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि अगर हमें लगाना है तो किन चीज़ों का प्रयोग करना है जिससे कि हमें फ़ायदा हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, अभी जैसा कि कई लोगों में ऑयल फ्री डाइट का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है, उन्होंने दाल में तड़का वगैरह लगाना बंद कर दिया है, या फिर और भी जहाँ पे तड़के लगाने की ज़रूरत पड़ती है उन्होंने लगाना बंद कर दिया है, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है या फिर भारतीय खाने की परंपरा है, उसमें हम तड़का लगाने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तड़का सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, यानी कि रुचि ही नहीं पैदा करता है भोजन में, बल्कि हमारा जो भोजन होता है उसकी गुणवत्ता बढ़ा देता है, यानी कि उसके जो पोषक तत्व हैं उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो आज हम यही जानेंगे कि किस तरीके से मदद करता है। जैसे कि हमने पहले बात की कि दाल में तड़का, मेनली जो तड़का लगाते हैं वो दाल में लगाते हैं। दाल कैसी होती है? वो गैस बनाने वाली होती है, बादी होती है, पचने में हैवी होती है, क्योंकि इसके अंदर हाई प्रोटीन सोर्स ज़्यादा होता है। और अगर आपका सिटिंग जॉब है, आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या फिर पहले से आपका डाइजेशन वीक है, तो आपको दाल पचने में हैवी हो जाती है, गरिष्ठ हो जाती है, जिस कारण से उसमें तड़का लगाना जरूरी हो जाता है। अगर हम अरहर की दाल देखें तो अरहर की दाल कैसे होती है? गर्म प्रकृति की होती है, और अगर आप उसमें तड़का नहीं लगाते हो तो पचने में हैवी भी हो जाती है। तड़का हम किन चीज़ों का लगाते हैं? तड़के में हम घी या तेल का प्रयोग करते हैं, जीरा, राई, हींग, लहसुन, अदरक, करी पत्ता, इन चीज़ों से तड़का लगाया जाता है। हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हम जो भी चीज़ ले रहे हैं, जो भी डाइट या फिर जो भी भोजन ले रहे हैं, उसके कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। हम जिस पर्पस से ले रहे हैं, यानी कि पोषक तत्व पाने के लिए, वो सारे पोषक तत्व हमें मिले, ये हमारा मेन पर्पस होता है। तो इसलिए तड़का लगाना जरूरी हो जाता है। दाल में तड़का लगाने के लिए घी सबसे बेस्ट है तेल की तुलना में, क्योंकि अगर आप देसी घी का प्रयोग करते हो तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, पर वो शुद्ध गाय का देसी घी होना चाहिए। आपने देखा होगा जो लोग कच्चा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर वो तेल घी का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑयल फ्री डाइट के चक्कर में पड़ते हैं, उससे शुरुआत में उनको फ़ायदा ज़रूर होता है, उनका वजन कम होने लग जाता है, लेकिन एक समय के बाद उनके शरीर में रुक्षता पैदा होने लग जाती है, ड्राइनेस पैदा होने लग जाती है, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर होने लग जाती है, हड्डियों में जो चिकनाई होती है, देखिए जो चिकनाई होती है वो कम होने लग जाती है। देखिए, जैसे कि हमारी ये कोहनी है, एक तरह से जुड़ी है, यहाँ पे एक ज्वाइंट है, ठीक है, या फिर हमारी रिस्ट है, ये एक ज्वाइंट है, तो हमारी बॉडी में शोल्डर है, ये भी एक ज्वाइंट है। तो जैसे कि आपका दरवाजा होता है, दरवाजे में जो पुर्जे लगे होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, जोड़, उसमें आप बीच बीच में तेल डालते हो जिससे उसमें चिकनाहट बनी रहे। अगर चिकनाहट खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, उसमें खड़ 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 आवाज़ आएगी, आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा, आपका दरवाज़ा बहुत ज़्यादा शोर मचाने लग जाएगा। वैसे ही आपके जो जोड़ होते हैं, आपकी हड्डियाँ होती हैं, उसमें से भी आवाज़ आने लग जाती है, उसमें दर्द होने लग जाता है, कट कट की आवाज़ आने लग जाती है, समय से पहले आप में बुढ़ापा आने लग जाता है। आजकल जो जोड़ों की समस्याएं हो रही हैं उसका कारण क्या है? शरीर में वात रोग ज़्यादा बढ़ जाना। आप जब एक्सरे कराते होंगे, MRI कराते होंगे, आपने देखा होगा, आपको डॉक्टर बोलते डीजनरेटिव चेंजेस, यानी कि वहाँ पर रूखापन आने लग जाता है, जो आपकी हड्डियाँ होती हैं या फिर घुटने की जो जोड़ होती है, वहाँ पे जो चिकनाहट होती है वो कम होने लग जाती है, तेल या फिर चिकनाई ग्रीस सूखने लग जाता है, लुब्रिकेशन कम होने लग जाता है, ऐसा डॉक्टर ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। या फिर आपका जो कमर है, रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पे स्पेस हो गया है, या फिर मन का खिसक गया है, वहाँ की जो जेल है वो खिसक गई है, स्लिप डिस्क हो गया, ऐसे टर्म्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। हर बार
चिकनाई कम हो गई है, यही एक कारण नहीं होता, और भी कारण होते हैं, पर इसमें एक कारण ये भी हो जाता है, गैस बनना, पेट साफ नहीं होना, शरीर में रूखापन आने लग जाना, बुढ़ापा आने लग जाना समय से पहले, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। शुरुआत में ऑयल फ्री डाइट लेने से वजन कम होता है, लेकिन आगे चल के ये सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि किस चीज़ के सेवन से क्या फ़ायदा होता है। पहला तो हम लहसुन का प्रयोग करते हैं। लहसुन क्या करता है, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यून को बूस्ट करता है, सर्दी खांसी जुकाम से बचाता है, सिर दर्द से बचाता है। इसके बाद हम जीरे का प्रयोग करते हैं, जीरा पाचन सुधारता है, पेट की परेशानियों को दूर करता है, खाना खाने के बाद गैस बनना, पेट फूलना, पेट का भारीपन, इन सब से बचाता है, डिसेंट्री से की समस्या को दूर करता है, भूख बढ़ाता है, खाना खाने में रुचि लाता है। करी पत्ते का प्रयोग करते हैं, करी पत्ता पेट की गर्मी को दूर करता है, शरीर की गर्मी को दूर करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, रक्त से संबंधित जो परेशानियाँ होती है उसके लिए अच्छा होता है। इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है, फाइबर्स पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, हार्ट और डायबिटीज जैसी परेशानियों को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, पाचन शक्ति सुधारता है। इसके बाद हम हींग की बात करेंगे। हींग क्या करता है, भोजन में रुचि तो पैदा करता ही करता है, साथ ही साथ पेट की समस्या है, पेट में गैस बनना, पेट फूलना, अपच जैसी परेशानियों को दूर करता है। राई दाना, इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, कोलेस्ट्रॉल को दूर करने की क्षमता होती है, शरीर की यानी कि मांसपेशियों के जो दर्द होते हैं उसे कम करता है। अगर आपको तीखा मसालेदार खाना खाने की आदत है तो आप लाल मिर्ची का प्रयोग कर सकते हो। लाल मिर्ची के अगर आप सीमित मात्रा में लाल मिर्ची का प्रयोग करते हो तो आपको उतना नुकसान नहीं करता है। लाल मिर्च के तड़के, खड़ी लाल मिर्च के तड़के के कारण उसके अंदर विटामिन ए बी के पाया जाता है, साथ ही साथ ये शरीर की सूजन को कम करता है या फिर शरीर का दर्द कम करता है। सूजन नहीं, एक तरह से आप कह सकते हो शरीर का दर्द कम करता है। अगर आप हरी मिर्च का प्रयोग करते हो तो उसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। अजवाइन, अजवाइन शरीर की गर्मी, पेट की गर्मी को कम करता है, वो भी गैस से बचाने में मदद करता है। हल्दी, हल्दी के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, यहाँ तक कि वो ब्लड को भी प्योरीफाई करता है, स्किन की प्रॉब्लम को भी दूर करने में मदद करता है, गले की खराश, सर्दी खांसी जैसी परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। अभी हम जानेंगे कि कौन से भोजन में किस चीज़ का तड़का लगाना चाहिए। अगर आप बेसन की कढ़ी खा रहे हो तो बेसन की कढ़ी थोड़ी सी पचने में हैवी हो जाती है, क्योंकि ये चने की दाल से बनती है, जो चने की दाल से बनी हुई चीज़ें पचने में हैवी होती है, उसको पचने का जो वक्त होता है यानी टाइम पीरियड बढ़ जाता है, तो उसमें आप हींग और मेथी दाने का तड़का लगाते हो तो स्वाद तो बढ़ेगा ही और पचने में भी हल्का हो जाता है, यानी कि या फिर पाचन की जो टाइम लिमिट है वो कम हो जाती है, टाइम पीरियड कम हो जाता है। अरबी की सब्जी, अरबी की सब्जी गर्म होती है तो अजवाइन का तड़का देते गर्मी को कम करता है। चने की दाल पचने में हैवी होती है तो उसमें आप जीरा, मेथी का दाना, तेज पत्ता, हींग जैसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप उसमें लौकी का भी प्रयोग करते हो तो लौकी के कारण भी आपका जो चने की दाल होती है वो पचने में हल्की हो जाती है, क्योंकि लौकी सुपाच्य होता है, हल्का होता है। अरहर की दाल गर्म तासीर की होती है तो उसमें आप घी का तड़का लगा सकते हो। मूंग की दाल बाकी दालों की तुलना में गैस कम बनाती है, पर बनाती है, तो आप उसमें घी का प्रयोग कर सकते हो। हींग, लहसुन, जीरा, राई सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो। और जो आपकी मूंग की दाल होती है वो उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं रहता है, उसका टेस्ट में थोड़ा सा कम पसंद की जाती है, तो उसमें अगर आप इन सब चीज़ों का तड़का लगाते हो तो आपको टेस्ट में बढ़ जाती है। और जो मूंग की दाल होती है वो सबसे बेस्ट मानी गई है, उससे ना तो आपके शरीर में गर्मी बढ़ती, ना आपके शरीर में पित्त का दोष बढ़ता है, और वो गैस भी कम बनाती है, तो बेस्ट यही है मूंग की दाल। और जैसा कि घी का तड़का लगाना बेस्ट बताया गया है सभी तेलों की तुलना में,